मुश्किलों से कह दो उलझा ना करे हमसे, मुश्किलों से कह दो उलझा ना करे हमसे, हर हाल में जीने का हुनर आता है हमें। नमस्कार, मैं पंकज और इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियोस में आप लोग का एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज नंबर 8.4 है, ट्रिग्नोमेट्री का क्लास 10 का, उसका जो प्रूफ वाले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 से ले क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसका 1 से लेकर 10 तक जो प्रूफ करना है हमें, वो इस वीडियो में मैं कराऊंगा। और आशा करता हूं कि आप सभी को वो प्रूफ समझ में आएंगे। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट आप देखें क्या है वो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 है और उसका फर्स्ट फर्स्ट से लेकर 10 तक इसमें सवाल है, प्रूफ करने हैं। दिया हुआ है क्वेश्चन आपके पास। पहला क्वेश्चन है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्रूफ करना है आपको। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। आप इसको साइन कॉस में तोड़ लें, आप ये जो ब्रैकेट है कॉसेक थीटा और माइनस कॉट थीटा, इसको आप साइन कॉस के फॉर्म में तोड़ लें। तो इसको आप जैसे ही तोड़ेंगे तो ये 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि कॉसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा लिखते हैं और कॉट थीटा को कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिखते हैं। ठीक है, स्क्वायर था स्क्वायर हो गया। और ये जो है वो एलएचएस है, आप एलएचएस को लेकर चल रहे हैं और आरएचएस प्रूफ करेंगे। यहां पे डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, यहां पे इसका डिनोमिनेटर है साइन थीटा, एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस का कॉस थीटा, क्योंकि दोनों पर स्क्वायर था इसलिए आप दोनों पर स्क्वायर लगा लो। उसके बाद आप देखें इसको आप 2 बार लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा, अगेन 1 माइनस कॉस थीटा क्योंकि स्क्वायर है, अपॉन साइन थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर इस पे था, ये स्क्वायर इस पर था, इसमें साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब फिर इसी को आप 1 माइनस कॉस थीटा, अगेन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को बच्चों आप लोग लिख सकते हैं 1 माइनस का कॉस स्क्वायर। यहां पे डाल देंगे सिंस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। फिर उसके बाद ये वाली जो टर्म है न्यूमरेटर एज इट इज रखेंगे, और इस फॉर्म को आप लिख सकते हैं a a² - b² का फॉर्मूला होता है, a - b a + b यानी 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल, बचेगा क्या 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे में क्या बचेगा डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा। तो बच्चों यही आपको प्रूफ करना था। तो देखिए इसके साइड में क्या है आरएचएस में, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा जो कि रिक्वायर्ड रिजल्ट है यहां, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। इसको आप पॉज करके नोट डाउन कर लें। मैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ पढ़ता हूं। सेकेंड क्वेश्चन देखें बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है आपका। सेकेंड क्वेश्चन कहता है
थीटा अपॉन वन प्लस साइन थीटा, सॉरी यहाँ पे ए गिवन है, कॉस ए अपॉन वन अपॉन साइन ए, सॉरी कॉस ए अपॉन वन प्लस साइन ए प्लस वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू टू से ए, ये आपको प्रूफ करना है, ये आपको प्रूफ करना है। एलएचएस में क्या है, आप एलएचएस लेके चलते हैं, आप देखें एलएचएस में वन प्लस साइन ए है और यहां डिनोमिनेटर में और इसका डिनोमिनेटर में कॉस ए है, तो एलसीएम लेंगे तो आएगा कॉस ए वन प्लस साइन ए। अब इस चीज को आप जब इससे डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या, ये तो ये कैंसिल हो जाएगा, इस चीज को ये वाली टर्म वन प्लस साइन ए कैंसिल आउट कर देगी वन प्लस साइन ए को, बचेगा क्या कॉस ए, और कॉस ए को कॉस ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, प्लस है प्लस लगा दिए। अब इस कॉस ए ब्रैकेट वन प्लस साइन ए को डिवाइड करेंगे जब कॉस ए से तो ये कॉस ए को कैंसिल हो जाएगा वन प्लस साइन ए आ जाएगा, और वन प्लस साइन ए को वन प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे इट मीन दैट वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखें, मैं इसी चीज को एक्सपेंड करता हूं कॉस स्क्वायर ए, ये प्लस है प्लस, इसको अगर स्क्वायर तोड़ता हूं मैं तो ये वन का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस टू साइन ए, रिजल्ट यही होगा अपॉन कॉस ए वन प्लस साइन, यही होगा बच्चों। उसके बाद आप ये प्लस साइन इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या आता है कॉस स्क्वायर ए प्लस वन का स्क्वायर वन साइन स्क्वायर ए प्लस टू साइन ए अपॉन कॉस ए वन प्लस साइन ए ब्रैकेट क्लोज, अगेन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये दोनों मिलके रिजल्ट वन दे देगा, इसका रिजल्ट वन होगा क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन होता है, यहाँ पे ए है तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए वन हो जाएगा, ये वन और ये वन मिलकर टू हो जाएगा, अब प्लस टू साइन ए अपॉन कॉस ए वन प्लस साइन ए ब्रैकेट में वन प्लस साइन, आप देखिए उसके न्यूमरेटर से टू कॉमन आ जा रहा है, देखिए वन प्लस साइन ए और नीचे में क्या है कॉस ए वन प्लस साइन ए, आप देखें ये वन प्लस साइन ए और वन प्लस साइन ए कैंसल आउट हो गया और आपका हो गया टू अपॉन कॉस ए न्यूमरेटर में, सॉरी डिनोमिनेटर में टू अपॉन कॉस ए, न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर कॉस ए, इसको आप लिख सकते हैं टू से बिकॉज वन बाई कॉस ए इज इक्वल टू सेक ए, तो ये आपका प्रूफ हो गया, आप इसको नोट डाउन करें, पॉज करके नोट डाउन करें। मैं थर्ड क्वेश्चन पे तरफ बढ़ता हूं, देखें थर्ड क्वेश्चन क्या कहते हैं, क्वेश्चन कहता है आपका टैन थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा टू वन माइनस टैन थीटा इज इक्वल टू वन प्लस सेक थीटा इनटू कोसेक थीटा, ये आपको प्रूफ करना है, ये आपको बच्चों प्रूफ करना है। तो आप देखें जब भी बच्चे आपका दिमाग काम ना करे कि सवाल में क्या करना है कैसे होगा सॉल्व, तो इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को करने के लिए आप हमेशा साइन कॉस का ही उपयोग करें कि साइन कॉस में ही किसी चीज को तोड़ दें, इससे थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी और आपको समझ आने लगेगा आगे वाले स्टेप में कि अब क्या करना चाहिए। ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को जहां पे आपको कुछ समझ ना लगे उस टाइम साइन कॉस में ही तोड़ना चाहिए।
तो मैं इस टैन थीटा को साइन कॉस में तोड़ूंगा तो आएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आप बोलेंगे हाँ सर आएगा। नीचे में ये बड़ा वाला लगा दिया मैंने, ये 1 माइनस का कॉट थीटा, कॉट थीटा मीन्स दैट इज कॉस थीटा बाई साइन थीटा। आप बोलेंगे हाँ सर लिखा जा सकता है इसको। अब प्लस है, प्लस लगाया, कॉट थीटा को आप लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। नीचे में आइए, 1 माइनस का टैन थीटा का साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। फिर से आगे स्टेप में बढ़ते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये हो गया, तो हम लिख देते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आगे में ये देखिए, इसके नीचे 1 है, इसका मतलब साइन एलसीएम आ जाएगा इसका, तो मैं लिख देता हूं साइन थीटा एलसीएम। और जैसे ही 1 इसको डिवाइड करेगा साइन आ जाएगा, तो यहां साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। ये साइन थीटा यहां पे देखिए, ये साइन थीटा को ये 1 जब डिवाइड करेगा तो साइन थीटा आएगा, और साइन थीटा को जब मल्टीप्लाई करेगा 1 से तो साइन थीटा हो जाएगा, और ये साइन थीटा जब इस साइन थीटा को डिवाइड करेगा तो 1 आएगा, और 1 को जब कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये प्लस है, प्लस लिख दीजिए, कॉस थीटा बाई साइन थीटा है, आप लिख दीजिए कॉस थीटा बाई साइन थीटा। यहां पे आइए, ये भी 1 है, 1/1 लिखा है सकते, तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, कॉस थीटा होगा। मैं लिख देता हूं कॉस थीटा, 1 को कॉस थीटा को 1 डिवाइड करेगा कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा 1 से तो कॉस थीटा हो जाएगा। माइनस है, माइनस कॉस थीटा जब डिवाइड करेगा इस कॉस थीटा को तो 1 होगा, और 1 को जब साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा होगा। इज इट क्लियर, आपको समझ में लगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप देखें, ये साइन जैसे ही हम इसको रिवर्स करेंगे, उल्टा करेंगे, ये ऊपर जाएगा, इसको हम ऐसे तरह से लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इनटू साइन थीटा। देखिए ये वाला जीरोमीटर चला गया ऊपर, नीचे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आप बोलेंगे हाँ सर दिखा दे सकते, इसको प्लस ये कॉस थीटा, ये वाला कॉस थीटा इस जगह कॉस थीटा बाय साइन थीटा पर लिख देते हैं इसको, इस वाले टर्म्स को। कॉस थीटा ऊपर जाएगा, नीचे में कॉस थीटा माइनस, यहां साइन थीटा मिला मिलकर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। प्लस ऊपर में कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब मैं बच्चों इस चीज को आगे ऊपर में ही बनाऊंगा, इसलिए आप इसको डिलीट कर लें। अब देखें आपका जो रिजल्ट निकल के आया, वो आया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। उसके बाद आप देखिए प्लस है, मैंने प्लस लिखा, ये कॉस स्क्वायर थीटा था कॉस स्क्वायर थीटा लिखा, अपॉन साइन थीटा था साइन थीटा मैं मेंशन किया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा था इसको ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। आप इसको ऑब्जर्व करें तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म एक ही होता जब इससे माइनस साइन कॉमन निकाल लिया जाए। तो जैसे इससे माइनस साइन कॉमन निकलेगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, जो कि इसके बराबर आ जाएगा। तो वही हम काम करते हैं। देखिए अगले स्टेप में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा
इससे जैसे ही माइनस मैंने बाहर निकाला ये प्लस एज छोड़ देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन माइनस साइन थीटा, मैंने बाहर निकाल दिया माइनस इस साइन का, माइनस साइन थीटा हो गया। इसमें से जैसे ही मैंने माइनस कॉमन निकाला ये टर्म बनाने के लिए, तो ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा और ये वाली टर्म चेंज हो जाएगी, दैट इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लो। देखें अब क्या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस माइनस, ये वाली टर्म माइनस हो गई, ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, नीचे में आ गया आपके पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ध्यान से देखें क्या दोनों में अब ये चीज कॉमन है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो इसका एलसीएम क्या आने वाला है, इसका एलसीएम आएगा साइन थीटा, क्योंकि इसमें साइन थीटा है, इसमें कॉस थीटा है, ये भी आएगा, और दोनों में कॉमन है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दोनों में कॉमन क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, वो दोनों है, ये आपके पास आ गया। ठीक है, अब इस टर्म को डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या कैंसिल होगा, कॉस से कॉस चला जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, कैंसिल आउट, तो बचेगा कितना साइन थीटा, तो साइन थीटा जब साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा साइन टू थीटा, वैसे ही ये माइनस साइन था माइनस में लगा दिया। अब इस वाले टर्म से ये वाला टर्म कैंसिल आउट करें तो ये साइन से साइन कटेगा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कटेगा और बचेगा क्या, क्या बचेगा cos थीटा, जब cos स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा cos क्यूब थीटा। आपको बात समझ लगी होगी, आगे आप देखें ये sin क्यूब माइनस sin क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा है, यानी a क्यूब माइनस b क्यूब है, तो यानी a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस b, बच्चों पता है नहीं पहले, तो मैं लिख देता हूं sin थीटा माइनस cos थीटा, a माइनस b हो गया। उसके बाद होता है a स्क्वायर, तो मैं लिख देता हूं साइन स्क्वायर थीटा, होता है बी स्क्वायर या प्लस ए बी, तो ए बी हो गया साइन थीटा और बी ए हो गया साइन थीटा और बी हो गया कॉस थीटा और प्लस बी स्क्वायर दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में आपका क्या हो गया साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस। आप इसको देखें, इसके बाद क्या मैं लिखता हूं इसको, आप देखें क्या ये 1 माइनस कॉस थीटा साइन माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये साइन माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आप साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा को देखें, यहां पे कॉस स्क्वायर थीटा है यहां साइन स्क्वायर थीटा है, क्या आप 1 लिख सकते हैं, तो आप यहां लिख लें 1, इन दोनों को सम करके 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे में क्या है आपका साइन थीटा कॉस थीटा। क्या आप दोनों को पार्ट वाइज अलग अलग कर सकते हैं, तो आप इसको लिखेंगे 1 अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा प्लस ये देखेंगे साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा, देखें ये कॉस कॉस कैंसिल साइन साइन कैंसिल, यहां से आप देखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा इनटू, देखिए इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा इनटू 1 अपॉन कॉस थीटा, आप बोलेंगे यहां से लिख सकते हैं, आप मैं तीसरे तरह देख लें 1 इनटू 1 क्या हो गया 1 और साइन थीटा इनटू कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा आ गया कि नहीं, और ये कैंसल हो क्या हो गया था 1, तो मैं इसी को रिवर्स ऑर्डर में लिख सकता हूं, 1 पहले लिख दिया 1 अपॉन साइन थीटा को क्या लिख दिया कॉसेक थीटा, प्लस था इसलिए प्लस में कॉसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा को क्या लिख सकता सेक थीटा, जो रिक्वायर्ड रिजल्ट मुझे प्रूफ करना था वो आ चुका है। आप क्वेश्चन में देख लें 12
तो इसको पॉज करके नोट डाउन कर लें, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 4। थैंक यू, देख लें। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। वन प्लस से के अपॉन से के इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन वन माइनस का कॉस ए। आपको यह प्रूफ करना है, साइन स्क्वायर ए वन अपॉन वन माइनस कॉस ए, आपको यह प्रूफ करना है। चले देखिए, मैंने बोला कि जब भी आपकी बुद्धि फेल होने लगे आप सिंपल से साइन कॉस में वो चीज को बदलिए, तो मैंने यहां बदल दिया वन अपॉन कॉस ए, इसको लिखा वन अपॉन कॉस ए, यहां पे एलसीएम होगा कॉस ए, देखें इन दोनों का एलसीएम कॉस ए, वन डिवाइड करेगा कॉस ए हो जाएगा, वन कॉस ए से कॉस ए को वन डिवाइड करेगा कॉस ए, कॉस ए वन मल्टीप्लाई होगा तो कॉस ए हो जाएगा, प्लस ये वन हो जाएगा, कॉस कॉस कट जाएगा, कॉस ए को डिवाइड करेगा वन हो जाएगा, वन को वन से करेगा तो वन हो जाएगा, और नीचे में वन अपॉन कॉस ए हो गया, ठीक है, सॉरी वन अपॉन में कॉस ए नहीं कॉस ए था, ठीक है। आप देखें दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल आउट, रिजल्ट क्या आया वन प्लस कॉस ए। आपने एलएचएस को कितना प्रूफ किया, एलएचएस को आपने प्रूफ किया वन अपॉन कॉस ए, ठीक है। अब देखें बच्चों, आप आरएचएस की तरफ चलें, आरएचएस ने क्या आपको दिखाई दिया है, साइन स्क्वायर ए अपॉन वन माइनस कॉस ए, और साइन स्क्वायर ए को आप लिखेंगे वन माइनस का कॉस स्क्वायर ए, आप बोलेंगे हाँ लिखा जा सकता है इसको, और यहां पे लिखेंगे वन माइनस का कॉस ए, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए का मतलब हुआ वन माइनस कॉस ए और वन प्लस, और नीचे में क्या हो गया वन माइनस कॉस, ये कैंसल आउट हो गया, रिजल्ट आ गया वन प्लस कॉस ए। आपको दिखाई दिया हुआ कि वन प्लस कॉस ए एलएचएस भी आ गया और वन प्लस कॉस ए आरएचएस भी आ गया। तो इसको पॉज करके नोट डाउन करें, मैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन, तो प्रूफ करना है कॉस ए प्लस कॉट ए, ठीक है, ये प्रूफ करना है आपको। चले देखें करते हैं, ठीक है। अरे देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, कॉस ए माइनस कॉमन ले लें तो हम लिख सकते हैं साइन ए माइनस कॉमन, इसको क्या लिखेंगे कॉस ए, इसमें से देखिए माइनस मैंने कॉमन ले लिया ऊपर वाले न्यूमरेटर में, इस दोनों टर्म से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो ऑटोमेटिक ये माइनस पर डिवाइड करके देखें माइनस इनटू साइन ए माइनस साइन आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस और ये वन हो जाएगा, वही चीज आ रही है। उसके बाद आप प्लस साइन ए माइनस कॉस ए, आप देखें इस टर्म को एलएचएस वाले टर्म को आप इसको अब रेशनलाइज कर देंगे बच्चों, इतना आ गया, मैं आगे नहीं रेशनलाइज कर देता हूं इसको, कॉस ए माइनस साइन ए माइनस वन अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन। अब मैं रेशनलाइज करता हूं तो ये जो साइन है प्लस वाली माइनस हो जाएगी, कॉस ए माइनस साइन ए माइनस वन अपॉन सेम चीज हो गया कॉस ए माइनस
साई ने माइनस। आप जब इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये वाली टर्म, ये टर्म सेम है, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म सेम है, दोनों के बीच का साइन भी सेम है। इसका मतलब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जा रहा है, दैट इज कॉस a माइनस साइन a माइनस वन का होल स्क्वायर। और नीचे आप देखें तो a प्लस बी है, प्लस है, ये पूरी क्वांटिटी को b मानिए, a प्लस बी, a यहां माइनस लग गई है और ये पूरी b, तो a प्लस बी, a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन ए माइनस वन का होल स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? आप इधर देखें फिर से, इसको आप क्या लिखेंगे, देखिए इसको आप लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए, ए स्क्वायर ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ये साइन ए माइनस वन का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू इंटू ए, ए की वैल्यू कॉस है और बी की वैल्यू साइन ए माइनस वन, साइन ए माइनस वन, ठीक है, ये बात है। डिनोमिनेटर में आइए, कॉस स्क्वायर ए एज इट इज लिख दीजिए, माइनस इसको जब आप a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर यानी वन का स्क्वायर माइनस टू साइन ए, यही बात है। देखिए उसके बाद जैसे ही आपने इसको लिखा कॉस स्क्वायर ए, इसको आप लिखेंगे साइन स्क्वायर ए, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको भी तोड़ रहे हैं, देखिएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वन स्क्वायर माइनस टू साइन ए ब्रैकेट वन, और यहां पे जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट आएगा माइनस टू कॉस ए साइन ए माइनस माइनस प्लस टू कॉस ए, टू कॉस ए। डिनोमिनेटर में देखें क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर में रिजल्ट आ रही है कॉस स्क्वायर ए, इस माइनस साइन को इसमें ये भेजेंगे, ट्रांसफर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा माइनस वन, ये हो जाएगा प्लस टू साइन। आपको क्लियर दिखाई दे रहा है? आप बच्चे इसको मैं आगे इसको डिलीट करने वाला हूं, आप इसको पॉज करके नोट डाउन करें। देखें इसको, ये कॉस स्क्वायर है, मैं लिख देता हूं, ये प्लस था प्लस लिख दिया, मल्टीप्लाई करता हूं प्लस सारे में, इतना यहां तक मल्टीप्लाई होगा, प्लस साइन स्क्वायर है प्लस वन माइनस टू साइन है माइनस टू साइन है माइनस टू साइन ए कॉस ए प्लस टू कॉस ए, यही है बच्चों। डिनोमिनेटर में आइए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, क्या इसको भी आप वन माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं? आप बोलेंगे हाँ सर लिखा जा सकता है वन माइनस साइन स्क्वायर ए, किसको, कॉस स्क्वायर ए को मैंने लिख दिया वन माइनस साइन स्क्वायर, माइनस ये साइन स्क्वायर था लिख दिया माइनस साइन स्क्वायर, ये माइनस वन था मैंने माइनस वन लिख दिया, और प्लस टू साइन ए ये हो गया प्लस टू साइन। अब देखें आप ये साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू वन हो गई, ये भी वन हो गई, ये माइनस टू साइन ए हो गया, ये माइनस टू साइन ए कॉस ए हो गया,
प्लस टू कॉस ए हो गया। डिनोमिनेटर में आइए, ये वन माइनस, ये प्लस वन, ये माइनस वन कैंसल। यहां पे क्या आया, टू साइन ए पहले लिख देते हैं, देखिए इस प्लस वन को पहले लिखते हैं टू साइन ए, और माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर टू बिकम्स टू माइनस टू साइन स्क्वायर ए, ये आ गए। फिर मैंने इसको क्या किया कि ये वन प्लस वन क्या हो गया टू, ये माइनस है माइनस टू साइन ए, ये माइनस है माइनस टू, टू साइन ए कॉस ए, साथ में प्लस टू कॉस है, प्लस टू कॉस है। नीचे में आइए डिनोमिनेटर में, टू साइन ए कॉमन ले लीजिए, टू साइन ए कॉमन ले लीजिए, यहां पे क्या होगा वन बचेगा और यहां पे क्या बचेगा साइन ए बचेगा, तो लिख लीजिए बच्चे। इस स्टेप को मैं डिलीट करता हूं, इन दोनों को आप देखें, इन दोनों से, इन दोनों टर्म से कुछ एलसीएम सॉरी कॉमन बाहर आएगी, दैट इज टू बाहर आ गई तो वन माइनस साइन ए हो गए। इन दोनों टर्म से माइनस टू कॉमन ले लिए, दोनों में कॉस ए भी कॉमन है तो माइनस टू कॉस ए कॉमन ले लिए, तो इसमें क्या बचा, इसमें क्या बचा बताओ, इसमें आप बच्चों देखें यहां पे प्लस टू कॉस ए है तो प्लस टू पहले लिख ले और इसको बाद में लिख ले, तो ये प्लस टू बाहर निकल जाएगा, कॉस ए बाहर निकल जाएगा, तो यहां पे क्या बचेगा वन, और इसमें क्या बचेगा माइनस का साइन है कि नहीं, माइनस का साइन है, ये निकल गया अपॉन टू साइन ए वन माइनस साइन ए। इसको आप थोड़ा एक्सपेंड करेंगे, देखें ये दोनों टर्म एक साथ कॉमन फिर से निकल जाएगा, वन माइनस साइन है इसको लिख दें, और इसमें बचेगा टू प्लस टू कॉस है, टू प्लस टू कॉस है, नीचे में आएगा टू साइन है वन माइनस साइन है। अब ध्यान में दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, इस साइड फिर मैं थोड़ा सा डिलीट कर देता हूं, देखें ऊपर में आ गया टू कॉमन वन प्लस कॉस ए, और नीचे में आ गया टू साइन ए, आप कैंसल आउट कर लेंगे, रिजल्ट शायद मुझे इतना ही लाना था, नहीं सॉरी लाना था कुछ अलग, तो ये हो जाएगा वन प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। क्या आप दोनों को पार्ट वाइज अलग अलग कर सकते हैं, वन अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, दिखा जा सकता है, अब बोलेंगे हाँ बोलिए, इसको इस पे डिवाइड लगा दिया साइन ए का, इस पे डिवाइड लगा दिया, दोनों पर अलग अलग सेपरेट आउट कर दिया, ये वन अपॉन साइन ए की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है कॉस ए के, और कॉस ए अपॉन साइन ए की वैल्यू होती है कॉट ए, यही आपको प्रूफ करना है, यही आपको प्रूफ करना है, आपको समझ लगी होगी। हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप इसको जल्दी से पॉज डाउन, पॉज करके नोट डाउन करें। देखें क्वेश्चन नंबर सिक्स, अंडर रूट वन प्लस साइन ए वन माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन है, ये तो ये वन प्लस साइन ए, एलसीएस को लेके चलते हैं बच्चे, देखो एलसीएस लेके चल रहे हैं वन प्लस साइन ए वन माइनस साइन ए, मैं अंदर में रेस्टलाइज कर देता हूं, अंडर रूट के अंदर ही रेस्टलाइज करूंगा, तो ये वन प्लस साइन ए हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, दोनों ऊपर नीचे सेम क्वांटिटी से,
दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाए, रिजल्ट वही रहे। फिर अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आ गया। देखें आप दो बार है, स्क्वायर लिख सकते हैं। नीचे में 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, यानी 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, इट मींस दैट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसको आगे इस अंडर रूट को सॉल्व करते हैं सबसे पहले, तो ऐसे देखें आप एक स्टेप और लिख देते हैं उसके बाद सॉल्व करते हैं। देखें इतने और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिखते हैं, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब रूट हटाते हैं तो ये ऑटोमेटिक ये रूट और स्क्वायर कैंसल्ड, 1 प्लस साइन ए हो जाएगा और ये कॉस ए हो जाएगा। और 1 बाई कॉस ए की वैल्यू कितनी होती है, इसको पार्ट वाइज करते हैं, 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए की वैल्यू सेकेंड और साइन ए अपॉन कॉस ए की वैल्यू टेन, ठीक है। आपको एक प्रूफ करना था, वो आ चुका है, पॉज करके नोट डाउन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। चलिए टाइम को क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। देखिए बच्चों, अच्छा बच्चों एक बात बताओ मुझे, क्या एलएचएस साइड में आपको न्यूमरेटर में साइन थीटा कॉमन दिखाई दे रहा है? आप क्या निकाल दो उसको बाहर, तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसमें से आपको कॉस थीटा बाहर निकालना है, तो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा। अब आप दोनों में से किसी को ही चेंज करिए, या तो इस चीज को चेंज कीजिए इस फॉर्म में, या तो इस चीज को चेंज कीजिए इस फॉर्म में। आप ऊपर वाले को ही चेंज कर दें, साइन थीटा क्या ये 1 टू 1 और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 के ऊपर 2 और देखिए यहां पर साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप बोलेंगे हाँ सर लिखा जा सकता है, ब्रैकेट बंद, नीचे में एज इट इज जैसे था वैसे छोड़ दें कॉस थीटा, क्योंकि आपको एक दोनों में से किसी एक को चेंज करना था ना, तो आप छोड़ दें इसको एज इट इज। आगे देखें साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस 2 ये मल्टीप्लाई होगा माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, डिनोमिनेटर में यही था। देखें फिर साइन थीटा, देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा को पहले लिख देते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा पहले लिख देते हैं और 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1 माइनस 1, नीचे में आइए कॉस थीटा 2 cos square theta minus 1, 2 cos square theta minus 1, ये दोनों आपस में कैंसल आउट। sin theta upon cos theta की वैल्यू क्या होती है, sin theta upon cos theta तो जो रिजल्ट आया कैंसल होने के बाद ये दोनों टर्म ही बचे, sin theta upon cos theta इसकी वैल्यू क्या होती है, tan theta, और शायद यही आपको प्रूफ करना था, ये जो रिजल्ट है। पॉज करके नोट डाउन करें, क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या गिवन है, साइन ए प्लस कॉस ए के का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर को प्रूफ करना है 7 प्लस 10 स्क्वायर ए
प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये आपको दिया हुआ, ये गिवन है। इसको तोड़े बच्चा, क्या इसको क्या लिख सकते हैं आप, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं आप, लगाइए ए स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर हो गया प्लस टू ए इंटू बी यानी साइन ए इंटू कॉसेक ए, ठीक है। इसको आपने तोड़ दिया, प्लस था प्लस लिख दिया, इसको ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, तोड़ दिया। इसको आप तोड़ें, एलएचएस लेके चल रहे हैं आप, ये ध्यान रखें हमेशा, कॉस स्क्वायर ए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ा जा रहा है यहां पे भी, सेक स्क्वायर ए प्लस टू कॉस ए सेक ए हो गया। उसके बाद आप देखें साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस टू साइन ए, इसको लिख सकते हैं टू साइन ए एज इट इज, और कॉसेक ए को क्या लिख सकते हैं वन अपॉन साइन ए, बोले लिख सकते हैं कि नहीं। आगे प्लस से प्लस लगा दीजिए, कॉस स्क्वायर ए एज इट इज लिखिए, प्लस सेक स्क्वायर ए लिखिए, और इसको क्या लिख सकते हैं टू कॉस ए, और सेक ए को लिख सकते हैं वन अपॉन कॉस ए, हाँ लिख दीजिए। अब देखिए साइन ए या साइन ए कैंसल आउट, यहां कॉस ए कैंसल आउट, ठीक है। तो देखें आप इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, यहां क्या बच्चा बच्चा दो, यहां प्लस है, इसको ब्रैकेट में रखें, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस टू, ठीक है। अब आप इस प्लस को मल्टीप्लाई कीजिए पूरे ब्रैकेट में, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, ब्रैकेट खत्म कर देते हैं हम, प्लस टू कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस टू। देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए है, इसका मतलब ये वन हो गया, और टू साथ में लिख दिए, वन टू टू हो गया, वन प्लस टू प्लस टू, साथ में ये वाली टर्म बची हुई है कॉसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉसेक स्क्वायर ए, और ये वाली टर्म बची हुई है दैट इज सेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा रिवीजन करता हूँ, पॉज करके नोट कर लीजिए, बस क्वेश्चन रिवीजन करूंगा अभी, ये इतना ही पार्ट, ठीक है, इतना प्रूफ करना था, मैं इसको छोड़ देता हूँ, ठीक है। देखें आप ये टू टू या फोर, टू प्लस टू फोर और वन फाइव, आप फाइव दे सकते हैं। अच्छा ये कॉसेक स्क्वायर ए को देखिए, कॉसेक स्क्वायर ए को आप कॉट के फॉर्म में क्या लिखेंगे, क्योंकि ये रिजल्ट कॉट स्क्वायर ए चाहिए मुझे, तो आप लिख सकते हैं वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर, और टैन भी चाहिए मुझे, तो इसको टैन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे सेक स्क्वायर ए को, वन प्लस टैन स्क्वायर ए, तो लिख देते हैं वन प्लस टैन स्क्वायर ए। तो देखिए बच्चों फाइव वन सिक्स और ये सेवन, ये कॉट स्क्वायर ए, ये टैन स्क्वायर है, पहले टैन स्क्वायर लिख देते हैं प्लस कॉट स्क्वायर, ये भी आपको समझ में आ गया होगा जो प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर नाइन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन पॉज करके नोट डाउन करें। कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए, आपको प्रूफ करना है वन अपॉन में टैन ए प्लस कॉट ए। देखिए जब भी आपको दिक्कत होती है, मैं बोल रहा हूं कि हमेशा आपको ये ध्यान रखना है, जब भी प्रॉब्लम आए आपको समझना लगे कि क्या करना चाहिए, तो आप एलएचएस और आरएचएस को सेपरेटली प्रूफ करने की कोशिश कीजिए, एलएचएस को भी लेके चलिए कुछ पॉइंट तक जाके उसको रोक दीजिए, उसके बाद आरएचएस को प्रूफ करना चाहिए उसी पॉइंट तक ला दीजिए, दोनों को एलएचएस को अटैच कर दीजिए, और हमेशा साइन के फॉर्म में ही तोड़े किसी चीज को कि वो आसान हो जाए,
ऐसे देखिए ये LHS संधि के चरण है, LHS cos के को क्या लिख सकते हैं, 1 / sin है ठीक है, माइनस sin है, से को क्या लिख सकते हैं, 1 / cos है, माइनस cos है ठीक है। इसको देखिए दोनों का LCM, इसका ये इसके डिनोमिनेटर में भी 1 है और इसके डिनोमिनेटर में भी 1 है, आप इससे LCM लेंगे आएगा sin है, जब इसके साथ आप करेंगे तो साइन ए साइन कैंसल 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर भी हो जाएगा, देखें वो आपके नहीं होगा, ये 1 साइन को डिवाइड करेगा, ये साइन के साथ साइन मिल जाएगा, वो साइन स्क्वायर है, फिर ब्रैकेट ये दोनों का एलसीएम कॉस ए आएगा, कॉस ए प्लस 1 का एलसीएम क्या आएगा, कॉस ए, इसको डिवाइड करेगा तो ये 1 आ जाएगी चीज, और ये माइनस है माइनस, ये 1 को कॉस ए डिवाइड करेगा, कॉस ए को 1 डिवाइड करेगा तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, यहां से cos मल्टीप्लाई हो जाएगा तो cos स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पे 1 माइनस का sin स्क्वायर a अपॉन sin a हो गया, ये हो जाएगा 1 माइनस का cos स्क्वायर a अपॉन cos a हो गया। आप देखें इसको क्या लिख सकते हैं आप, cos स्क्वायर a, तो लिखो cos स्क्वायर a, नीचे में क्या sin, इसको क्या लिख सकते हैं आप साइन स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर अपॉन कॉस ए, कॉस से कॉस क्या और एक साइन ए साइन, एक रिजल्ट आएगा साइन ए मल्टीप्लाइड बाई कॉस ए, ये रिजल्ट आएगा। अब आप डिनोमिनेटर को भी लेके चले, सॉरी डिनोमिनेटर बोल रहे आरएचएस को लेके चले, ये है 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन साइन ए, मैं इसको मैंने बोला था समझा साइन ए कॉस ए भी बदल दिए, 1 अपॉन में साइन ए कॉस ए लिखेंगे प्लस कॉट ए को कॉस ए अपॉन साइन ए लिखेंगे, 1 अपॉन जैसे ही आप डालेंगे साइन ए कॉस ए एलसीएम साइन ए कॉस ए हो जाएगा, और इस कॉस साइन ए कॉस को कॉस ए डिवाइड करेगा तो साइन ए आएगा, साइन ए के साथ मिलता ही होगा साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, और ये साइन ए कॉस को डिवाइड करेगा तो कॉस ए आएगा, कॉस ए कॉस को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, ये वाला डिनोमिनेटर ऊपर चला गया साइन ए कॉस ए, और साइन इसके नीचे क्या है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो क्या उस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू साइन ए कॉस ए, और आप देखिए एलएचएस आईएचएस की वैल्यू जितनी है उतनी एलएचएस की वैल्यू यहां पे आई है, देखें पॉज कर लें नोट डाउन करें, पॉज करके लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम लोग, बहुत खुशी की बात है कि हम लोग आज लास्ट क्वेश्चन पे आ गए, चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 10, इसमें दो पार्ट है मैं आपको बताता हूं एक एक करके। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, एक प्रूफ करना है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, एक पार्ट फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जो वैल्यू है वो टेन स्क्वायर ए है, ये फर्स्ट पार्ट है, इसको प्रूफ करना है, इसकी पूरी की वैल्यू इतनी है, मैं सो करता हूं एचएस को, 1 प्लस टेन स्क्वायर को क्या लिखते हैं बच्चा बताइए, सेक स्क्वायर लिख दीजिए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या लिखते हैं कॉसेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर की वैल्यू क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर है, और कॉसेक स्क्वायर को 1 अपॉन में साइन स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर ऊपर चला गया साइन स्क्वायर हो गया, और ये नीचे में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर है, और साइन स्क्वायर एक प्लस अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर है, क्या मेरी बात समझ में आ गई। अब दूसरा पार्ट करते हैं, देखें इसको पॉज करके नोट डाउन कर लें, सेकंड पार्ट इसका हम बताते हैं आपको, देखें 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर
वन माइनस टैन ए अपॉन वन प्लस सॉरी माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर आपको प्रूफ करना है किसके बराबर, टैन स्क्वायर के बराबर। आप ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाइए, आएगा वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टैन स्क्वायर ए माइनस टू टैन ए, ठीक है माइनस टू टैन ए। एलएचएस को लेके चलते हैं, नीचे में क्या आ जाएगा, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी एंड टू कॉट ए। वन प्लस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है बताइए, सिक्स स्क्वायर है और माइनस टू टेन है, टू टेन है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होगी, कॉसेक स्क्वायर है, कितनी होगी कॉसेक स्क्वायर है, कॉसेक स्क्वायर है माइनस टू कॉट है, ठीक है। अब सेक स्क्वायर है को बच्चा क्या लिख सकते हैं आप, वन अपॉन कॉस स्क्वायर है और माइनस टू साइन ए, इसको क्या लिख सकते हैं टाइम को, साइन ए अपॉन कॉस है। नीचे में आइए, कॉसेक स्क्वायर है को क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन साइन स्क्वायर है माइनस टू कॉट ए यानी टू इंटू कॉस ए अपॉन साइन। आप देखिए एलसीएम क्या आएगा, दोनों का दोनों डिनोमिनेटर कॉस स्क्वायर ए कॉस ए, एलसीएम आएगा कॉस स्क्वायर ए, इसको इससे डिवाइड आएंगे, वन वन आ जाएगा, वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे वन होगा, माइनस है माइनस मैंने लिख दिया, कॉस ए को इससे जब इस कॉस स्क्वायर ए को कॉस ए से भाग लगाएंगे डिवाइड करेंगे कॉस ए आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस टू साइन ए कॉस ए, ठीक है। सिमिलरली यहां पे अगर इसका एलसीएम देखा है तो क्या आएगा, साइन है सॉरी साइन स्क्वायर है, और जब साइन स्क्वायर ऐसे ही साइन स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा, वन वन को मल्टीप्लाई करेंगे वन आएगा, और ये माइनस साइन ए इस साइन स्क्वायर को जब डिवाइड करेगा आएगा रिजल्ट साइन ए, और साइन ए को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टू साइन ए कॉस ए आ जाएगा, टू साइन ए कॉस ए आ जाएगा। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, तो वन माइनस टू साइन, वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, ये ऊपर गया और ये वन माइनस टू साइन स्क्वायर सॉरी साइन टू साइन ए है, टू साइन ए कॉस ए, टू साइन ए कॉस ए और यहां भी टू साइन ए। देखिए दोनों सेम है, दोनों क्या है, दोनों क्वांटिटी सेम है, वन माइनस टू साइन ए कॉस ए, वन माइनस टू साइन ए कॉस ए, दोनों आपस में कैंसल आउट हो गया। साइन वहां पे भी देखिए रिजल्ट ऊपर में आ गया, साइन स्क्वायर ए नीचे में कॉस स्क्वायर ए, और इन दोनों की जो वैल्यू है वो हो जाएगी टैन स्क्वायर ए। ओके फिनिश्ड, चलिए थैंक यू, कीप वॉचिंग, और आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में लगा होगा, अगर नहीं समझ थोड़ा सा अगर समझ नहीं आया होगा तो उसको बार बार रिपीट करके देखें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।